सतगुरु देव के जोग चरणन शीश नवाओ। और आज सभा के बीच में इस भजन भीम के जन ये करंट दे रहा है रुमाल से पकड़ो और अर्थिंग हो रही है इसमें क्या है मुझे दो तीन बार झटका सा लगा इसलिए पहले लगा है पानी ज्यादा पड़ गया। दौड़ वंदना के दरबार इसलिए मैं आदरणीय धर्माचार्य जी के मैंने कई जगह विचार सुने और मैं तो धन्य कहूंगा कि आज आदरणीय हमारे धर्माचार्य जी ने मुझे इस प्रकार के मंच पर बुलाने का बोलने का मौका दिया। मैं तो सदैव सदैव उनका उनकी टीम का सदैव सदैव आभारी हूँ। और मैंने शरण ली तेरी ओ बाबा कहाँ लगाए ली तेरी कोई भी कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर होगी। अगर गोली चलेगी तो मेरे ऊपर चलेगी। आप लोग डरने की कोशिश मत करना। पांच भाइयों में पांचवा नंबर का हूँ। यदि एक खत्म हो जाएगा तो मेरे माँ बाप की नाक नहीं होगी। ध्यान रखना करवा चौथ करूंगी मैं उपवासी रहूंगी। क्या मेरे भैया भी मेरे पास
आपस में बैठे, एक भावी जिद में पड़ गई, इधर कहूंगा इधर कहूंगा तो मेरी चाल ठीक करते। इसलिए मैं अपनी भाभी को पर देता हूँ वृतांत। मेरी भाभी ने कहा कि मैं तो सुन रही हूँ, करता चो तो फंसे रंग। बोले क्या? बोले मैं चलनी, मैं चूंकि हफ्ते रहने वाला हूँ इसलिए चलनी कह रहा हूँ, और थोड़ी सी शुद्ध हिंदी में आ जाऊं तो चलनी होती है। जब चलनी में देखती मैं तुम्हारी सूरत को देखूंगी तुम्हारी उम्र बढ़ जाएगी। तो मेरे भैया थोड़े से गुस्सा हो गया। बोले क्यों? बोले मुझे तो रड़ुआ होने पड़ेगा, मुझे तो रड़ुआ होने पड़ेगा जब तुम मेरी उम्र बढ़ाएगी और तेरी घट जाएगी, तुम मर जाएगी पहले। बोले नहीं, मैं तुम्हारी भी उम्र बढ़ाना चाहता हूँ। बोले कैसे? जब तू चलने में अगर मेरा मुंह देख करके मेरी उम्र बढ़ाती है तो मकान बनाने के लिए जो बड़ा मारा चलना आता है इतना बड़ा। बोले मैं तेरी सूरत उसमें देखूंगा, मेरी मां तो पहले बढ़ जाएगी। नहीं, लेकिन आसन भर लेकर जाइए। आप लोग करवा चौथ व्रत मत करना, करना है तो परम पूज्य बाबा को अम्बेडकर के बताइए मार्ग का आप लोग अनुसरण और व्रत करोगी। चलिए दादोरिया जी निवासी शासन वालों की ओर से पहुंचे मंडल और का भी बहुत बहुत आभारी है। समय कम होने के कारण मैं ज्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ। तुमने तो सतिया ने जगाए और सुखियां के कोई भी कार्रवाई होगी तो मेरे ऊपर होगी, अगर गोली चलेगी तो मेरे ऊपर चलेगी। आप लोग डरने की कोशिश